अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो एप्पल हर साल ब्रांड न्यू फोन के नाम पे अपने कस्टमर्स का काटना बंद कर देता। 2024 जैसे महाभयानक साल में भी आईफोन ने अपने कस्टमर्स की जेब फाड़ने की प्रथा को जारी रखते हुए आईफोन 16 की सीरीज लॉन्च कर दी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले हम लोग इस ब्रांड न्यू आईफोन 16 के ब्रांड न्यू लुक पर नजर मारते हैं, जिसके ऊपर एप्पल ने अपनी पटका पूरा जोर लगाकर काम किया है। आईफोन 50 के डायगोनल कैमरा को वर्टिकल कैमरा बना दिया है। उसके अलावा 0.111% का भी फर्क नहीं है और इस के मुर्गे के हिसाब से यही है आईफोन 60 का रेवोल्यूशनरी इनोवेटिव ब्रांड न्यू लुक। चूतिया लिखा गया और इस चवली के लिए हमें 80,000 रुपए देने पड़ेंगे और अगले साल इन्हीं वर्टिकल कैमरास को हॉरिजॉन्टल करके ये चमन चूतिया उसे आईफोन 17 का नाम दे देगा और उसका प्राइस होगा 1,00,000 रुपए। रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। अब कोई साधारण इंसान क्यों ही 80,000 का एक एप्पल खरीदेगा जबकि उसे आराम से किसी ठेले पर भी एप्पल 120 रुपए किलो मिल जाएगा और वो वजह है उसका कैमरा। क्या बात कर रहे हैं। और इस ही कैमरे को कंट्रोल करने के लिए एप्पल ने हमें एक बटन दिया है जिसे हम कहते हैं कैमरा कंट्रोल बटन। और इस फीचर की वजह से आईफोन यूजर्स की जिंदगी एंड्रॉइड यूजर्स की जिंदगी से 10 गुना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वाहियात फीचर को नोकिया और सोनी ने 10 साल पहले ही दे दिया था और इस टिमुर्गे के आईफोन 16 में ये ब्रांड न्यू फीचर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा वाहियात फीचर मैंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक नहीं देखा। शर्म करो, भगवान से डरो। दुनिया भर की कंपनी प्रॉब्लम का सलूशन बनाती है लेकिन एप्पल बिना प्रॉब्लम के ही सलूशन बना देती है। जब बंदा आराम से फोटो क्लिक कर सकता है, उसे फोटो क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बटन को लाने की जरूरत क्या थी। कुछ भी अगर कुछ ऐड करने की चुन मची हुई थी तो कम से कम 120 Hz की डिस्प्ले ही ऐड कर देते। साला 20,000 तक के फोन में आराम से 120 Hz की डिस्प्ले मिल जाती है और एप्पल के किसी भी फोन में 120 Hz तो छोड़ो 60 Hz से ऊपर की डिस्प्ले आती ही नहीं है। ये कोई शक नहीं, बजाय रिफ्रेश रेट को इम्प्रूव करने के इस टिम मुर्गे ने ब्रांड न्यू आईफोन 16 में एक 100 साल एडवांस फीचर को इंट्रोड्यूस किया है और ये फीचर इतना ज्यादा एडवांस है कि इसे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। हरामी हो बेटा। उससे पहले टिम मुर्गे से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तूने आईफोन से ईयरफोन जैक निकाल दिया, तूने आईफोन के डिब्बे से चार्जर ही निकाल दिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बट अकॉर्डिंग टू दिस टिम मुर्गा इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक्शन बटन। ओवरऑल ये फंक्शन अच्छा है और काम का है, पार्टी बदल लिया साला। लेकिन ये इसका रेवोल्यूशनरी इनोवेशन नहीं है, ये HMD Skyline जैसे एंड्रॉइड फोन में पहले ही आ चुका है। अब तो सच बोल दे, आईफोन उस चूतिए बच्चे की तरह है जो अपना होमवर्क AI से करवाता है और इसे चतुराई समझकर अपने आप को आइंस्टाइन का बाप समझने लगता है। और यहाँ पर AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पर AI का मतलब है एप्पल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर इस मुर्गे ने अपनी किडनी का पूरा जोर लगाकर काम किया है। लेकिन क्या ये तुम्हें आईफोन 60 खरीदने के तुरंत बाद मिल जाएगा? नहीं, तो ये तुम्हें अभी नहीं मिलने वाला, ये तुम्हें अपडेट में मिलेगा वो भी 1-2 महीने बाद एज ए बीटा वर्जन, और वो भी 15-20% फीचर्स के साथ, क्योंकि पूरे फीचर्स तो दिसंबर या जनवरी तक आएंगे। और मैं आईफोन 60 का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। ये फीचर आधुनिक समय का सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी इनोवेटिव फीचर है और इसका नाम है पॉज बटन। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, तुम उस फीचर को अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस फीचर का इस्तेमाल करके तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देख सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।